हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और गाइस आज के वीडियो में हम ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। जी हाँ, तो गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट होता है बट शेयर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो इस वजह से गाइस ऐसे लोग रह जाते हैं और पैसे वाले लोग खरीद लेते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। अगर आपके पास 50 रुपए भी है तो भी आप 2-3-4-5 शेयर्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 4 शेयर्स की बात करेंगे जिनकी कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिस्क फ्री है एंड आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, डिविडेंड अच्छा मिलने वाला है। चलिए गाइस इस वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो गाइस इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं एनएचपीसी की। तो गाइस एनएचपीसी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो एनएचपीसी की फुल फॉर्म है, वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो गाइस ये पूरी 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, पीएसयू की कंपनी है और आपके घर में जो बिजली आती, हो सकता है कि एनएचपीसी की बिजली आ रही हो आपके घर में। तो गाइस एनएचपीसी की अगर मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताऊं तो गाइस इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 26 करोड़। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको इसका एक साल का रिटर्न बताऊं तो गाइस लगभग 29% इसका एक साल का रिटर्न रहा है। गाइस ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिस्क फ्री है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। थोड़ा सा कम है बट गाइस शेयर प्राइस भी बहुत कम है इसका। अगर मैं आपको इसका शेयर प्राइस बताऊं तो गाइस शेयर प्राइस है इसका, यानी कि आपके पास अगर 26 रुपए है, 25.90 तो आप इसका एक शेयर खरीद सकते हैं और एनएचपीसी का एक तरह से मालिक बन सकते हैं। तो ये हुई बात गाइज एनएचपीसी की। अगली कंपनी की बात करते हैं इस लिस्ट के अंदर, वो है डिश टीवी। तो गाइज आपके घर में टीवी जरूर लगा होगा और डिश टीवी होगा, होपफुली बहुत सारे लोगों के घर में डिश टीवी होता है। तो गाइज डिश टीवी बेसिकली केबल या फिर डीटीएस सेक्टर की कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो गाइज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 2600 करोड़ का। और इसका अगर मैं आपको पिछले एक साल का रिटर्न बताऊं तो गाइज इसके एक साल का रिटर्न है 95.24%, यानी कि आप 20-30 रुपए लगाते हैं और उसका आपको ऑलमोस्ट लाइक बहुत ज्यादा मिल जाता है, 100% आपको उसका मिलने वाला है पूरा। तो अगर मैं आपको इसके एक शेयर की प्राइस बताऊं तो गाइज एक शेयर की कॉस्ट है वो है 14.34, यानी कि आपके पास अगर 15 रुपए है तो आप डिश टीवी का एक शेयर खरीद सकते हैं। तो गाइज ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिस्क फ्री है, डिविडेंट यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो रिटर्न यहाँ पर अच्छा है। ये एक बात की हमने सेकंड कंपनी की। बात करते हैं थर्ड कंपनी की, जो कि IRFC है, जिसका कि पूरा नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। गाइज ये भी पूरी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 30 करोड़ रुपीज का है। सो गाइज बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में। अगर मैं आपको पिछले 3 महीने का इसका रिटर्न बताऊं तो वो है 7.13%। और गाइस यहाँ पर रिटर्न तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा बट डिविडेंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, यानी कि जब भी कंपनी डिविडेंट बेसिकली डालेगी अकाउंट में तो आपके अकाउंट में सिंपली मिल जाएगा, आप कुछ नहीं करना, आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी कंपनी जब भी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी या उस तरह का सिनेरियो जब भी कंपनी डिविडेंट देना शुरू करती है। सो गाइज इसके अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो इसका एक शेयर की कॉस्ट है वो है 23.30 रुपीज़, यानी कि आपको एक गवर्नमेंट कंपनी का शेयर मिल जाएगा लगभग 23.50 रुपीज़ में, यानी कि 50 रुपये है आपके पास तो आप 2 शेयर इजीली खरीद सकते हैं और लाइक मालिक टाइप में बन सकते हैं इंडियन रेलवेज के फाइनेंस कॉरपोरेशन ग्रुप का। तो गाइज ये थी थर्ड कंपनी। लास्ट बात करते हैं हम कंपनी की, तो ये है 3i इन्फोटेक। तो गाइज 3i इन्फोटेक बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी है और इसकी प्रमोटर कंपनी है वो है ICICI बैंक। और मैं अगर आपको इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1500 करोड़ रुपए के समथिंग। और इसका अगर आपको एक साल का रिटर्न बताऊं मैं तो गाइज पिछले एक साल का इसका रिटर्न है 238.89%, यानी कि लगभग 240%। और अब अगर मैं आपको इसका एक शेयर बताऊं तो वो है 9.30, यानी कि लगभग 10 रुपए में आपको शेयर खरीदना है और आपको उसका डबल से भी ज्यादा मिलने वाला है। तो गाइज समझ सकते हैं कि आप कितनी अच्छी कंपनी है बेसिकली। सो अगर मैं आपको इसका फंडामेंटली बताऊं तो गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, ICICI ने इसको प्रमोट किया था और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी है जो बेसिकली बहुत सही चल रही है इस टाइम पर, बहुत सारे एम्प्लॉयज इस कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन कंपनीज में। और गाइज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है कि कंप्लीटली ग्रो लाइक बहुत अच्छे ग्रोथ रेट के ऊपर चल रही है इस टाइम सारी IT इंडस्ट्री या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ कंपनीज, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। गाइज अगर आपको लगता है कि ये कंपनी सही है तो अपनी पूरी रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपका उससे डिस्कस कीजिएगा
और तब पूरी जब आप रिसर्च कर ले, तब अगर आप इनके शेयर को बाई करना चाहते हैं तो तब कीजिएगा, मतलब बट करिएगा पूरी रिसर्च के बाद। ऐसे नहीं है कि गाइज मैंने बोल दिया तो आपने जस्ट गए और इनको बेसिकली परचेज कर दिया, मतलब यार कल डाउन भी हो सकती है, तो अपनी पूरी रिसर्च कीजिएगा। जिस भी कंपनी के अंदर आपका ट्रस्ट है, आपको लगता है कि इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी रहने वाली है, तो उसके अंदर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, और ऐसे किसी के कहने पर भी कभी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।